हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर एमएससी वर्चुअल क्लास। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू लेसन नंबर 7, वैल्यू ग्रेटिट्यूड, एंड द स्टोरी नेम इज द 7 वंडर्स। सो लेट्स स्टार्ट। अनन्या वाज अ 9 ईयर ओल्ड गर्ल। शी लिव्ड इन अ विलेज विद हर फादर एंड मदर। हर फादर वाज द पोस्ट मास्टर इन विलेज पोस्ट ऑफिस। अनन्या एक 9 साल की छोटी लड़की थी। वह अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। उसके पिता गांव के डाकघर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे। ही हैड रिसेंटली बीन ट्रांसफर्ड टू दिस विलेज। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सीनिक विलेज। द व्यू ऑफ द माउंटेन्स एंड रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम वॉज एक्सीलेंट। वह हाल में ही उसके पिता का इस गांव में ट्रांसफर हुआ था। जो वो गांव था, गांव बहुत ही सुंदर था। वहां का जो दृश्य था वो बहुत सुंदर था। द व्यू ऑफ द माउंटेन्स, जो वहां पर पहाड़ों और बहने वाली नदियों का जो दृश्य था वह बहुत सुंदर था। इट वॉज वेरी एक्सीलेंट। इन द मॉर्निंग व्हेन सनलाइट फेल ऑन द माउंटेन्स, देयर पीक शोन लाइक गोल्ड। अनन्या लव टू वॉच द नेचुरल ब्यूटी फ्रॉम हर हाउस। सुबह जब धूप उस गांव में सुबह जब धूप पहाड़ों पर गिरती थी, तो जो माउंटेन पीक से वो सोने की तरह चमक उठते थे। अनन्या को ये सब देखना बहुत अच्छा लगता था। वहां की जो नेचुरल ब्यूटी थी वो अपने घर से देखना उसको बहुत अच्छा लगता था। द पैडी फील्ड अराउंड Fields around the village added to the charm of the sun-soaked mountains. अब सुबह के टाइम पे गांव के जो आसपास के धान के खेत होते थे, जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती थी तो उनसे भीनी भीनी खुशबू आती थी। इट मीन्स जो वो गांव था वो बहुत ही सुंदर था। There was no good quality primary school in her village. Ananya's father admitted her to a reputed school in a nearby city. अब जहां अनन्या रहती थी, जिस गांव में, वहां पर अच्छा स्कूल नहीं था। प्राइमरी स्कूल जो था वो अच्छा नहीं था। तो उसके पिता ने उसका एडमिशन एक पास के शहर में एक अच्छे स्कूल में कर दिया था। अनन्या हैड स्टडीड टिल क्लास 3 इन अ स्मॉल स्कूल इन द सिटी फ्रॉम वेयर दे गॉट ट्रांसफर टू दिस विलेज। अब जो अनन्या थी, उसने जहां वो पहले रहते थे वहां पे क्लास 3 तक पढ़ाई की थी, और वहां से फिर उनका ट्रांसफर इस गांव में हो गया था। द न्यू स्कूल वॉज बिग एंड एक्सपेंसिव। चिल्ड्रन फ्रॉम रिच फैमिलीज केम टू स्टडी इन दिस स्कूल। अब जो नया स्कूल था अनन्या का, वो काफी बड़ा और महंगा था। वहां पर काफी अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने आते थे। इट हैड हॉस्टल फैसिलिटी टू, बट अनन्यास फादर ऑप्टेड फॉर स्कूल बस दैट वुड टेक 1 आवर ईच साइड। अनन्या डिड नॉट माइंड। नाउ She could enjoy the beauty of nature every day from the bus. अब जो जहां अनन्या थी, जिस स्कूल में वो पढ़ रही थी, अब जहां उसका एडमिशन हुआ, अभी वो स्कूल काफी महंगा था और वहां पर अमीर परिवार के बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आते थे। इस स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी थी, लेकिन जो अनन्या के फादर थे उन्होंने स्कूल बस का विकल्प चुना, जो प्रत्येक पक्ष में 1 घंटा लेती थी। मतलब एक साइड जाने में उसको 1 आवर लगते थे। तो अब वो अनन्या क्या करती थी, अनन्या को कोई भी परेशानी नहीं थी। अब वह बस से हर दिन जो प्रकृति की सुंदरता थी उसका आनंद ले सकती थी। जब वो बस में स्कूल से घर और घर से स्कूल जाती थी तो उसको पूरा 1 आवर लगता था, और वो इसके बीच में सारा क्या एंजॉय करती थी, ब्यूटी ऑफ नेचर। अनन्या लाइक्ड हर न्यू विलेज। एवरीवन वाज नाइस एंड फ्रेंडली। शी मेड मेनी फ्रेंड्स।
There, she felt very happy knowing that she was easily accepted in a new place. अब जो अनन्या थी उसको अपना नया गांव अच्छा लगने लगा था बिकॉज एवरीवन वाज देयर नाइस एंड फ्रेंडली, क्योंकि वहां पे सारे लोग अच्छे और मिलनसार थे. फिर उसने वहां पे बहुत सारे फ्रेंड भी बना लिए थे और वो बहुत खुश थी ये जानकर कि वहां के लोगों ने नई जगह पर उन्हें इजीली एक्सेप्ट कर लिया है. नाउ शी डिड नॉट मिस हर फ्रेंड्स फ्रॉम प्रीवियस सिटी एनी मोर. अब वो अपने जो जिस शहर में वो पहले रहते थे वहां के फ्रेंड्स को भी वो याद नहीं करती थी. शी वॉज होपफुल दैट हर स्कूल वुड ऑल्सो बी एज गुड एज हर नेबरहुड. अब उसको एक उम्मीद थी कि उसका जो स्कूल है, न्यू स्कूल है उसका, वो भी उसके मोहल्ले की तरह अच्छा होगा. टुडे वॉज द फर्स्ट डे ऑफ हर स्कूल एंड शी वॉज वेटिंग फॉर हर स्कूल बस. वंस द बस केम शी गॉट इन टू इट क्विकली. शी वॉज वेरी एक्साइटेड. आफ्टर द बस रीच द स्कूल ऑल स्टूडेंट्स स्टार्टेड गोइंग टू देयर क्लासेस. अनन्या ऑल्सो मेड इट टू हर क्लासरूम आफ्टर आस्किंग फेलो स्टूडेंट्स फॉर डायरेक्शन. अब आज जो था अनन्या का पहला दिन था स्कूल का, जो नया स्कूल था वहां पहला दिन था और वो स्कूल बस का वेट कर रही थी. जैसे ही बस स्कूल बस आई वो उसमें जल्दी से चली गई और वो बहुत उत्साहित थी स्कूल जाने के लिए. शी वॉज वेरी एक्साइटेड. स्कूल पहुंचने के बाद सभी बच्चे अपने क्लास में चले गए. अनन्या भी अपने साथ के बच्चों से पूछते पूछते अपनी जो क्लास है उसकी उसमें चली गई थी. सो डियर चिल्ड्रन, रेस्ट ऑफ स्टोरी आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.